यहाँ सचिवालय आके पदभार ग्रहण कर रहे हैं। एक जो है जोगाराम पटेल को भी मंत्री बने हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और क्या प्राथमिकता रहेगी सर आपकी? आपने बधाई दी इसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल की मार्फत मैं आम आवाम को भी धन्यवाद देता हूँ, मेरे लूणी की जनता, हमारे प्रदेश और देश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को निभाया। जहाँ तक प्राथमिकता का प्रश्न है, राजस्थान में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, भ्रष्टाचार से मुक्त, भय से मुक्त राजस्थान विकसित और समृद्ध प्रदेश हो, और इस पर उन्होंने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये स्वभाव है कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलते हैं, उसकी आवश्यकताएं जानते हैं और खुद धरातल पर जाकर के काम करने और मॉनिटरिंग करने का कार्य करते हैं। उन्होंने अपराधियों में भय पैदा करने के लिए धरपकड़ पुलिस के मार्फत प्रारंभ करवा दिया और अनेक अपराधी जेल में जा चुके हैं। आम जनता के हित की जो योजना है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार की है या हमारे द्वारा बनाई गई है, वो निरंतर जारी रहेगी, और इसी का परिणाम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमारे लिए गीता और रामायण के समान है, उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, और गैस का सिलेंडर के दाम घटाकर 450 रुपये कर दिए। ऐसी अनेक जनहित की योजनाओं को वो धरातल पर उतारने के लिए निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम उनके साथी होने के नाते सहभागी बनकर उनके निर्देश अनुसार निरंतर सेवा के कार्य में लगे रहेंगे। सर आप वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव भी रहे हैं, इस बार आप मंत्री हैं, तो क्या लगता है सर कि आपने कोई अपने कुछ रुचि का विभाग बताया हो, या आपको कौन सा विभाग मिल सकता है? देखिए विभाग कौन सा किसको मिले, ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सर्वे का विषय है। मेरा ये मानना है कि मंत्री परिषद के सभी सदस्य सामूहिक जिम्मेवारी से काम करते हैं। कौन सा मंत्रालय किसके पास है, कौन सा विभाग किसके पास है, ये विशेष महत्व तो नहीं रखता है। महत्व तो ये रखता है कि हम सब मिलकर जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता द्वारा बनाई हुई सरकार का आभास जनता को करावें, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे, हमारे प्रदेश और देश के नेतृत्व की जो अपेक्षा है उसके अनुसार खड़े उतरे, और आने वाली लोकसभा के चुनाव में 25 के 25 जीते जीता के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार विश्व के सबसे बड़े यशस्वी नेता के रूप में प्रधानमंत्री बनाने, ये हमारा लक्ष्य है। सर मैं उसी पर आ रहा था कि बजलाल सरकार की जो बड़ी चुनौती है कि 25 की 25 सीटें वापिस जीती जाएँ, तो उसको लेकर सर क्या प्रयास रहेंगे? हमने जनता के बीच में काम करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा निरंतर जनता के बीच में ही रहती है, वो कोई चुनाव को लेकर कार्य नहीं करती है। हमारा एक चुनाव खत्म होता है, उसी दिन से हमारा दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, और हम सब राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इस हेतु जनता का विश्वास जीत करके उसमें काम करना प्रारंभ कर दिया है। पेयजल से संबंधित हो, भूमाफियाओं का समापन करना हो, ऐसी अनेक योजनाएँ जिसका एक भाषा में कहा जा सकता है, अपराधियों में भय, फरियादियों में विश्वास। ये कब तक लगता है कि विभाग आवंटित हो जाएंगे? ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सेवे का विषय है, इस बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। सर संकल्प पत्र का है, संकल्प पत्र में जो मोदी जी ने गारंटी दी उसको भी पूरा कर रहे हैं। एक सर 100 दिवसीय कार्य योजना भी लेकर आए, तो आप जो भी विभाग आपको मिलता है तो 100 दिवसीय कार्य योजना को किस तरह से पूरी करेंगे, क्या आपका तरीका रहेगा? हमारा कार्य करने का एक तरीका, एक लक्ष्य है, और हम विभाग में जो भी विभाग मिलेगा, आदरणीय मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अपने 100 दिन की कार्य योजना और उसका लक्ष्य, उस कार्य योजना मिलते ही उस पर कार्य प्रारंभ कर देंगे, और जो लक्ष्य निर्धारित होता है 100 दिन के अंदर पूरा करेंगे तो जनता को लगेगा नहीं हमारी सरकार है, हमारे लिए काम कर रही है, और जो कह रही है वो कर रही है, ऐसा लेकर के हम चलेंगे। मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरा किया जाएगा और 100 दिवसीय कार्य योजना पर फोकस किया जाएगा, निर्धारित समय में लक्ष्य पूरे किए जाएंगे और जो है लोकसभा में 25 के 25 सीटें जीती जाएंगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।